हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला मखाना की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर किए मसाला मखाना की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला मखाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल मखाना। आप कोई भी एक कटोरी मखाना ले लें या फिर जितना भी आपको बनाना है उतना। अब मसाला मखाने बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। आधा चम्मच सिंपल नमक, आधा चम्मच काला नमक, एक तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह चाट मसाला पाउडर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर ले रही हूँ। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, या तो आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर। आपका मसाला रेडी है मसाला मखाना बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। जैसे ही आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए उसके अंदर हम ऐड करेंगे लगभग आधे से एक चम्मच के करीब देसी घी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल में भी मसाला मखाना बना सकते हैं, लेकिन मखाने को आप घी में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बाकी आपकी चॉइस। देखिए जैसे घी मेल्ट हो जाएगा उस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये मखाने। इस टाइम पर हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। और इस प्रोसेस में आपको लगभग 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे मखाने जो हैं वो इस तरह से थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। ये इस तरह से अच्छी तरह से टूट कर जा रहे हैं। बस फटाफट से अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए मैंने मखानों को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है और मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। अभी हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, बस इसी गर्म कढ़ाई के अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे लगभग आधे से एक चम्मच के करीब देसी घी। बस इसी गरम कढ़ाई के अंदर, गरम घी के अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारे मसाले जो कि हमने अभी बनाकर रेडी किए हैं। इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम ऑन ना करें, अब आपको बंद गैस में ही ये सारे काम करना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर गैस ऑन कर देते हैं तो आपके सारे मसाले एकाएक जल जाएंगे। अगर आपकी कढ़ाई ठंडी हो चुकी है तो उस टाइम पर आप गैस ऑन करके सिर्फ घी को मेल्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका घी मेल्ट होगा आपको फटाफट से गैस बंद कर देना है, उसके बाद ही आपको सारे मसाले ऐड करने हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद आप फटाफट से ये मखाने डाल देने हैं और उसके अब मखानों को अच्छे से मसाले में कोट करना है और मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और आपके मखाने जो है अच्छे से मसाले में कोट हो जाएंगे। अब आपको गैस ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके मखाने बनकर बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से हम इसे सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इन मसाला मखानों को अपनी छोटी भूख में एंजॉय कर सकते हैं या फिर बच्चों को लंच में दे सकते हैं या फिर किसी भी टाइम पे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये हर तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।